अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आज जेटी पे व्लॉगिंग करेंगे। तो हम जेटी पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ के माहौल कैसे हैं और वहाँ पे वेदर कैसा है और देखेंगे लोग छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं या नहीं। और मेरे एक दोस्त को भी पिक करेंगे वहाँ से, फिर शायद चाय वाय भी हो जाए उसमें। और देखते हैं, आज बारिश कल हुई है तो फिर कीचड़ भी बहुत होगा, उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हम बच सकते हैं। पहुँचेंगे इंशाल्लाह जेटी पर। हाँ भाई फिर चले चले फिर चलो। बारिश के बाद हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बचते बचाते पहुँचेंगे, देखते हैं जेटी पे विजिट करते हैं कि लोग आज छुट्टी वाले दिन भी अगर काम कर रहे हैं कि नहीं। सारी इब्राहिम की स्ट्रीट हैं, गलियाँ हैं, खतरा तो है। तो अब हम हो रहे हैं इंटर इब्राहिम हैदरी की जेटी में। ये सारे ये पंप है और इस तरफ वो गोदाम होते हैं जिसमें जो मछली होते हैं या झींगे होते हैं वो सारे स्टॉक करते हैं। बाकी देखते हैं आगे, क्योंकि माहिरों का तो एक ही मानना है, चाहे कोई छुट्टी हो या कोई बंद किया हो, मतलब कोई अगर छुट्टी दे रहा है तो माइग्रेंटों को काम करना होता है। अगर वो बाहर की तरफ नहीं जाते हो, जा नहीं सकते, अगर कोई पाबंदी होती है, लेकिन फिर भी ये यहाँ के अगर वो बाहर नहीं जाते तो वो यहाँ पे अपना जो काम रुका हुआ होता है उसको पूरा करते हैं। जो काम होना चाहिए वो खुद करते हैं, जिस तरह से वो जाल वगैरह बनाते हैं। कश्ती में अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है तो उसको भी वो सारा छुट्टी वाले दिन पूरा काम करते हैं उसका। यहाँ पे जाल भी बनाए जा रहे हैं। आगे चल के देखते हैं कि क्या मंजर है। मौसम भी अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें बड़ी कश्तियों में वो बर्फ़ वगैरह भी लगा देते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, एक महीना भी लग जाता है। अच्छा, एक मतलब पूरा ट्रक लांच में जाता है बर्फ़ के। अच्छा, 2 ट्रक जाते हैं एक लांच के अंदर, तो फिर 2 महीनों के लिए जाते होंगे या 1 महीने के लिए। तो यार बहुत प्यारी है, देखते हैं खड़े हो गए हम। तो हम अभी जेटी पे पहुंच गए। लोग तो काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं देखते हैं आराम करना है। ये मतलब बस रात को यही सोचते हैं कि रात को आराम करना है, दिन में काम करना। दिन में ये लोग सारे यही होते हैं, अगर समंदर पे नहीं भी जाते तो मतलब वो यहीं काम कर रहे होते हैं, अपना जाल बना रहे होते हैं या कश्ती में कोई थोड़ा बहुत काम होता है तो वो पूरा कर लेते हैं। तो देखा है हमने कि काम बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ पे, जो अपने काम को अंजाम कर रहे हैं। बाकी ये हमारे दोस्त भी हैं यहाँ पे, अगर हम हमारे बचपन की बात करें तो यहाँ पे आते थे शुरू में नहाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर, लेकिन फिर बाद में मना कर दिया गया करते कि आप लोग नहीं नहा रहे क्या? क्यों? डर लग रहा है? फिर कि हमने आपको इब्राहिम हैदरी के लोगों के काम से तारुफ करवाया। अभी हम चलेंगे, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे तो उसके साथ उसके बाद फिर हम घर को रवाना। आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, दूसरे का सामान हो। बाकी ये है होटल, यहाँ पे हम रुकेंगे। अस्सलामुअलैकुम खान साहब, क्या हाल है? मज़े में? और सुनाओ, तबीयत वबीयत सही है? हाँ, ये हमारे इब्राहिम हैदरी की बहुत खूबसूरत होटल है, यहाँ पे हम अभी आए हुए हैं मेन मार्केट की। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सुकूनदार। होटल पे बैठे हुए हैं, बाकी हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं, चाय भी पी रहे हैं। चाय तो ज़बरदस्त है, इलायची वाली चाय ज़बरदस्त है। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कहीं इब्राहिम हैदरी आना हो तो आपको इस होटल पे ज़रूर आना चाहिए। चाय यहाँ पे बहुत मज़े की है। बाकी देख सकते हैं आप सब कि यहाँ पे कितना रश लगा है, अच्छे हैं। हमने चाय पी ली है, चलेंगे। ये पूरी इब्राहिम हैदरी की मार्केट है, यहाँ पे मतलब आपको खाने पीने की अशिया मिल सकती है, साइकिल वगैरह भी आपको मिल सकती है। तो आप सब ने देखा कि ये सारी हमने चीज़ें विज़िट की, जेटी पे भी विज़िट किया, चाय भी पी, दोस्त से भी मिले। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है, आपको ज़्यादा अगर मतलब आपको अच्छा लगा है, आपने जो चीज़ें नहीं देखी आपने वो देखी हैं, तो मज़ीद आप ये सारी चीज़ें विज़िट करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। और ये सारी जो विज़िट्स होंगे हम इब्राहिम हैदरी में करेंगे या इब्राहिम हैदरी से बाहर करेंगे, तो ये सारे व्लॉग आपके सामने होंगे। आप भी ऐसा लगेगा आपको कि आप भी हमारे साथ ही व्लॉग में हैं। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी वीडियो आप मिलती रहेंगी। आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।